अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर अन्नर। अगर आप बाहर मुल्क जाना चाहते हो और अपना सर्टिफिकेट या डिग्री वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो क्या तरीका कार है, हमें क्या क्या करना पड़ेगा? तो यार काफ़ी यह है ईजी प्रोसेस है, कुछ ही मिनट्स में आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप FSC कर चुके हो तो आपको अपनी सर्टिफिकेट सबसे पहले अपनी बोर्ड से वेरीफाई करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको IBCC पर अप्लाई करना होगा, IBCC वेरीफिकेशन करना होगा। उसके बाद आपको फॉरेन ऑफिस से जो है वेरीफिकेशन करना होगा। उसके बाद अगर आप दुबई जाना चाहते हो तो वहाँ पर जो एम्बेसी है वहाँ पर आपको वेरीफिकेशन करना होगा अपनी सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट के लिए हो गया। अब डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री के लिए यही प्रोसेस है कि आपको जो है सबसे पहले यूनिवर्सिटी से जो है वेरिफिकेशन करना होगा, जिस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री लिया है। उसके बाद आपको HSC पर जाना होगा। HSC पर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको समझ नहीं है तो मैं इंशाल्लाह वीडियो भी लेकर आऊँगा। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, फॉरेन ऑफिस से जो है वेरिफिकेशन करना होगा अपनी डिग्री की। तो यही प्रोसेस है, काफ़ी इजी है। मैंने यही प्रोसेस है, अगर आप जो है फ्यूचर में बाहर मुल्क जाना चाहते हो तो आज से जो है अपनी वेरिफिकेशन कर लो। बाद में काफ़ी प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये टाइम लेता है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इन सारी वेरिफिकेशन में आपको 2 महीने लग सकती है। तो इसलिए आज से वेरिफिकेशन कर ले, बाद में जो है आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। जब आपका वीज़ा लग जाता है तो वहाँ पर जो है उस टाइम काफ़ी जो है इमरजेंसी लोग काम करवाती है और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज से अपनी डिग्री या सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करवाइए, ठीक है। तो अभी मुझे इजाज़त दिया, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। अस्सलामुअलैकुम।